व्हाट्सएप कैसे हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम। दोस्तों आप लोगों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम में जो है यूपीएससी रिफॉर्म्स लाने की बात कर रही है, और एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, क्या एज लिमिट है और कब ये एज लिमिट जो है अभी प्रेजेंट का जो स्टेटस है उसके लिए क्या यूपीएससी जो है कोई रिफॉर्म लाने जा रही है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, क्योंकि जो बासवान कमेटी है उसने रिकमेंड किया था कि जो है सिविल सर्विस में रिफॉर्म आए। सेकंड एआरसी ने रिफॉर्म रिकमेंड किया था कि इस चीज़ पे जो है रिफॉर्म लाए जाएं। दोस्तों इसके अलावा अभी अभी नीति आयोग ने 2018 में जो है इसके बारे में रिकमेंडेशन दी थी कि आप जो है सिविल सर्विसेज में रिफॉर्म लाइए और जो ऑप्शनल का पेपर है उसे आप पूरी तरीके से हटा दीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि टारगेट प्रीलिम्स 2020 के लिए हमारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की हमारी सीरीज जो है वो चालू बस कल से हो जाएगी। आप इस वीडियो को देखने के बाद हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ये आपके लिए प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दैनिक हिंदी संपादकीय विश्लेषण हमारा एक हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। आप इस सीरीज़ को रोजाना देखें, क्योंकि इसमें आपको सभी दैनिक जागरण, PIB, दैनिक भास्कर, बिजनेस स्टैंडर्ड, NBT, अमर उजाला, हिंदुस्तान, जनसत्ता, सभी के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको सबसे पहले उनका बढ़िया एनालिसिस, इन डेप्थ एनालिसिस आपको मिलेगा हमारे चैनल पर। और इसके बाद हमारी डेली मेंस आंसर राइटिंग हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पर चल रही है। आप उससे भी हमारे इनिशिएटिव जुड़ सकते हैं, क्योंकि एन आंसर आ डे पेव्स वे फॉर मसूरी स्टे। तो आपका IAS बनना है तो आपको आंसर जरूर लिखने होंगे, और आंसर रोजाना, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आइए दोस्तों आज की इस वीडियो में जानते हैं। देखिए दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि बासवान कमेटी ने जो है रिकमेंड किया था कि ये सिविल सर्विस में रिकमेंडेशन, सिविल सर्विस जो है उसमें आप क्या कीजिए, रिफॉर्म कीजिए। क्या रिफॉर्म कीजिए दोस्तों, देखिए इसकी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग DOPT को जो इन्होंने मैनुअल भेजा है उसके अकॉर्डिंग उनका ये कहना था कि ऑप्शनल सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं वो गेम चेंजर होते हैं किसी भी चीज़ में। तो इनका ये कहना था कि अर्बन एरियाज़ के जो लोग हैं जैसे कि DU और JNU, यहाँ पे जो पढ़ने वाले लोग हैं उनकी कंपैरिजन में जो होते हैं ग्रामीण क्षेत्र के जो टीचर होते हैं वो कम पढ़े लिखे होते हैं, इसलिए जो होता है वो लोग क्या करते हैं, बैकवर्ड रहते हैं। बैकवर्ड एरिया के लोग जो है उनके लिए ये ड्रॉबैक है कि उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो हल्का रहता है, इस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो लैंग्वेजेस जो हैं पॉपुलर सब्जेक्ट हैं स्कोर करने के लिए, जैसे ये भी एक वो था कि साउथ इंडिया का अगर बच्चा है कन्नड़ लिटरेचर उसका अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो कन्नड़ लिटरेचर, देखिए रीजनल लैंग्वेज में जो एक रीजनल टच रहता है, एक लोगों का रीजनल जुड़ाव रहता है अपनी जो भाषा है उससे एक रीजनल जुड़ाव भी रहता है, तो इससे इसकी वजह से भी। और दूसरा ऑप्शनल सब्जेक्ट में जो है रूरल, इसकी वजह से बासवान कमेटी का ये रिकमेंडेशन था कि जो है आप जो है इसको हटा के एक कंपल्सरी आप जो है एथिक्स का पेपर जोड़ दीजिए या एडमिनिस्ट्रेशन का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर जोड़ दीजिए, जिससे कि जो है सब लोग एक लेवल पे आ जाएं और गवर्नमेंट इस पे जो है जल्द ही तत्काल प्रभाव से जो है निर्णय ले सकती है, क्योंकि बासवान कमेटी ने जो है अपनी रिकमेंडेशन दी थी। इसके बाद जो है दोस्तों नीति आयोग ने जो है अभी अभी जो नीति आयोग विजन @75 करके जो डॉक्यूमेंट निकाला है वो अगली वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा अगर मैं उसको आज ही डिस्कस कर दूं। तो आप उसको रिकमेंडेशन जरूर देख लीजिएगा। तो इसमें नीति आयोग ने जो है ये कहा था कि जो है 30 से जो है एज को घटा के कर दिया जाए कितना, 27। देखिए इसमें नीति आयोग ये कहता है कि अपर एज लिमिट जो है सिविल सर्विस एग्जाम में आने के लिए 27, 30 से जो है 27 कर दी जाए जनरल के लिए, और ये किया जाए 2025 तक। ये स्ट्रेटेजी फॉर न्यू इंडिया डॉक्यूमेंट में जो है उन्होंने कहा है। दोस्तों मैं बता दूं ये न्यूज़ जो है आपकी 20 दिसंबर 2018 की न्यूज़ है, मगर दोस्तों ये न्यूज़ आपके लिए आज इसलिए रिलेवेंट है क्योंकि मोदी सरकार लगातार जो है सिविल सर्विस और अन्य मामलों में नीति आयोग की रिकमेंडेशन लगातार जो है मान रही है। तो मुझे लगता है कि जल्द ही ये रिकमेंडेशन लागू हो सकती है, तो जिन लोगों के आखिरी अटेम्प्ट लगभग लगभग होने वाले हैं उन लोगों से मेरा यही निवेदन है कि
कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी अटेम्प्ट में जो है अपना यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करें, और जो लोग पहले फ्रेश अटेम्प्ट में हैं उनसे भी कहूंगा कि पहला अटेम्प्ट इज अ गोल्डन अटेम्प्ट, तो आप यूपीएससी के लिए आखिरी अटेम्प्ट तक मत वेट कीजिए, क्या पता क्या नए प्रोविजंस जो है यूपीएससी ले आए। तो यही सिविल सर्विस को लेके ये रिकमेंडेशन थी, ये स्लाइड में है। देखिए 60 सेपरेट सिविल सर्विसेज हैं एट स्टेट और सेंट्रल लेवल पे, ठीक है। इनको जो है रेशनलाइज करने की बात भी इन्होंने ये कही थी, कि उसके बाद इन्होंने कहा था कि टैलेंट हमारे देश में कमी नहीं है, टैलेंट को जो है जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग जो है उस टैलेंट को यूटिलाइज करना बहुत बड़ी चैलेंज है। देखिए और आइडियली जो है ये सब जो है ऑल इंडिया रैंकिंग जो है स्टेट सर्विस, इनका क्या कहना था, देखिए स्टेट और सेंट्रल दो सर्विसेज हैं। आइडियली होता क्या है, जो स्टेट सर्विस होती है उसको सबऑर्डिनेट सर्विस माना जाता है, और सेंट्रल सर्विस जो होती है वो सुपीरियर सर्विस मानी जाती है इन कंपैरिजन टू स्टेट सर्विस। मगर इनका ये कहना है, क्योंकि स्टेट सर्विस और सिविल सर्विस दोनों ही जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हैं, एक को यूपीएससी कंडक्ट करा रही है तो एक को जैसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, मान लीजिए उत्तराखंड है तो उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन उसको कराता है, मगर इससे ये तो नहीं हो जाता ना कि योग्यता व्यक्ति की कम हो जाती है। तो दोस्तों इस चीज में इन्होंने यही रिकमेंड किया था कि जो है दोनों को इक्विवेलेंट लाया जाए और दोनों की ट्रेनिंग साथ साथ की जाए और एक लेवल मेंटेन हो जाए स्टेट और जो स्टेट सर्विसेज और यूनियन सर्विसेज की जो वो गैप है इसको भर दिया जाए और कंबाइंड एक सर्विस बनाई जाए जो स्टेट और सेंट्रल की बाउंड्री के बाहर होकर एक पूरा होलिस्टिक वे में काम करे। देखिए डॉक्यूमेंट जो है वो ऑटोनोमस बॉडी के लिए भी रेगुलेटेड सर्विस की बात कर रहा है। इसमें उनका ये कहना था कि गवर्नमेंट ने जो है वेरियस इनिशिएटिव रिसेंट ईयर में लिए हैं। देखिए अगर आप देखें एक वायर एजेंसी की नीड जो है ये एक है, जिससे कि जो पूरा 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 होलिस्टिक जो है चेंज आए। सबसे पहली रिकमेंडेशन उनकी यही थी कि जितनी 60+ जितनी भी सर्विसेज हैं इन सर्विसेज को जो है एक होलिस्टिक वे में वायर एजेंसी के अंदर लाया जाए। मान लीजिए ये वायर एजेंसी है, ये वायर एजेंसी के अंदर सभी सर्विसेज आ जाएं, आईएएस आईपीएस आईएफएस, इसके अलावा जो देखिए स्टेट सर्विस कमीशन यूनियन सर्विस कमीशन सबऑर्डिनेट स्टाफ सेलेक्शन कमीशन और भी बहुत सारे कमीशंस हैं, उन सभी के जो जितने भी लोग हैं वो इनके अंतर्गत आ जाएं। तो देखिए सबसे मेन रिकमेंडेशन अगर 30 से लेके अगर 27 एज लिमिट होती है तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ा झटका हो सकता है उन एस्पायरेंट्स के लिए जिनकी एज लिमिट ज़्यादा है। इसके अलावा देखिए ऑप्शनल सब्जेक्ट, अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका हट गया तो जो बच्चे ऑप्शनल के दम पे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में जा रहे हैं उनका क्या होगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स देखिए आपको ये रिकमेंडेशन बहुत सीरियसली लेनी है, ये नीति आयोग की जो स्ट्रेटेजी फॉर न्यू इंडिया @75 डॉक्यूमेंट है, ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है, उस पर चैप्टर नंबर 38 है सिविल सर्विस रिफॉर्म, ये आपका मेंस का टॉपिक भी है, आपके ऑप्शनल ज्योग्राफी और बहुत से ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी ये सिविल सर्विस रिफॉर्म जो है आपका टॉपिक है। तो आप इस चीज को यहाँ से कवर कर लें, इसके साथ साथ आपका यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के लिए भी ये होगा और साथ साथ आपका जो प्रेजेंट में तैयारी है उसके लिए भी। मगर मैं इसके लिए वीडियो कल अपलोड कर दूंगा, आप निश्चिंत रहें। मगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, यूट्यूब पर फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइए क्योंकि आपको वहाँ लगातार हम कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। वहीं मेरे व्हाट्सएप नंबर जो कि है 9994943600, ये पूरी आप आईएएस की टीम जो है इन मेल एड्रेस और इस नंबर को चेक करते रहती है, तो आप इस नंबर पे मैसेज कीजिए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक ऑटोमेटिकली आ जाएगा और आप हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम और फेसबुक सभी से जुड़ जाइए, क्योंकि अपडेट्स जो है हमारे चैनल के वो आपको सबसे पहले आते रहेंगे, तो आपको ऐसी ही वीडियोस ज्ञानवर्धक आपको मिलती रहेंगी। इसके साथ साथ मैं और वीडियोस का लिंक भी है इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप पूरी वीडियोस देखिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज हम ला रहे हैं, हम मेंस आंसर राइटिंग की सीरीज ला रहे हैं, दैनिक जागरण ये तो हम रेगुलर बेसिस पे डिस्कस कर रहे हैं, और एक हफ्ते के अंदर अंदर सभी सीरीज जो अभी तक की मतलब जुलाई से लेके अगले जुलाई तक हम जो है आपका पूरा प्रीलिम्स रिवाइज कर देंगे, यानी कि आपकी प्री प्लस मेंस की होलिस्टिक तैयारी अब आप आईएएस की टीम यहाँ करा देगी, और आपको निश्चिंत होकर आप तैयारी कीजिए क्योंकि आपकी जो भी तैयारी है उसमें सबसे अच्छी हेल्प हम लोग कर रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए हमारे वीडियोस को, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद फ्रेंड्स।